हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद सुदीप। एज यू कैन सी, आज का सेशन क्लास 12 बिहार बोर्ड के लिए है एंड आज हम लोग 400 प्लस क्वेश्चन सीरीज के फोर्थ पार्ट को डील करेंगे। और आज का चैप्टर है हमारा आई हैव अ ड्रीम, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 25 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग कंक्लूड करेंगे। सो अगर आपका टारगेट 90 प्लस है इंग्लिश सेक्शन में, तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। वीडियो को पूरा जरूर देखना, पसंद आए तो लाइक कर सकते हो, प्लीज़ शेयर जरूर किया करें आप इसको। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बॉर्न इन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म किस वर्ष हुआ था? पहला ऑप्शन है 1927, दूसरा है 1928, तीसरा है 1929 और चौथा नंबर है 1930। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1929। अगर आपसे जगह पूछता है तो वो जगह था एटलांटा जॉर्जिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज असैसिनेटेड। असैसिनेटेड कहने का मतलब होता है कत्ल कर देना। किस वर्ष मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या हो गई थी? पहला ऑप्शन है 1958, दूसरा है 1968, तीसरा है 1978 और चौथा है 1970। तो ऑप्शन नंबर बी इस बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपसे पूछता है पर्टिकुलर डेट, तो 4 अप्रैल वो डेट थी जब उनकी हत्या हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वॉज किंग असैसिनेटेड। अब यहाँ पे जगह पूछ रहा है कि किस पर्टिकुलर जगह पर उनकी हत्या कर दी गई थी। पहला ऑप्शन है मेम्फिस टेनेसी, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है ऑक्सफोर्ड और चौथा है नॉर्थहम्पटन। तो ऑप्शन ए इज बिल्कुल करेक्ट है, मेम्फिस टेनेसी वो जगह है जहाँ पर इनकी हत्या हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेन वॉज द स्पीच आई हैव अ ड्रीम डिलीवर्ड। आई हैव अ ड्रीम जो हम लोग स्पीच का हिस्सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, वह कब डिलीवर किया गया था? पहला ऑप्शन है 28 अगस्त 1963, दूसरा है 15 अगस्त 1965, तीसरा है 18 अगस्त 1963 और चौथा है 8 अगस्त 1970। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 28 अगस्त 1963, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु गेव नेग्रो पीपुल अ बैड चेक। किसने नेग्रो पीपुल को एक बैड चेक दिया है? यहाँ पर बैड चेक कहने का मतलब हो गया झूठा वादा। पहला ऑप्शन है इंडिया, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा है अमेरिका और चौथा है चाइना। तो ये ओवरऑल जो टॉपिक है वो अमेरिका से रिलेटेड है, तो यहाँ पे बहुत आसान था यहाँ पे पहचानना, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। सिक्स क्वेश्चन कहता है, टू ओवरलुक द नेग्रो वुड बी, यानी कि नेग्रो पीपल के कंडीशन को अनदेखा करना, ओवरलुक मतलब अनदेखा करना, इसका इफेक्ट क्या होगा? पहला ऑप्शन है फेटल, दूसरा है ईजी, तीसरा है यूजलेस और चौथा है नन ऑफ दीज। फेटल का मतलब होता है घातक। तो अगर नेग्रो लोगों के कंडीशन को अनदेखा किया जाएगा तो मार्टिन लूथर किंग के अनुसार वह स्थिति बहुत ही घातक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द प्लेज दैट नेग्रो पीपल मेड। कौन सा ऐसा प्रॉमिस है जो नेग्रो पीपल ने लिया है या किया है एक दूसरे से? पहला ऑप्शन है टू मार्च अहेड, दूसरा टू वेट, तीसरा ऑप्शन है टू बी वायलेंट और चौथा है टू बी अ स्लेव। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। उन्होंने शपथ लिया था कि वो हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे जब तक कि उनकी सारी अधिकार उनको वापस न मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट। नस्लीय भेदभाव किसके खिलाफ है? पहला ऑप्शन क्रुएलिटी, दूसरा है ह्यूमन राइट्स, तीसरा है ऑनेस्टी और चौथा है नन ऑफ दिस। तो नस्लीय आधार पर जब हम भेदभाव करते हैं तो वो मानव अधिकार के खिलाफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट था इसका। द वर्ड मोमेंटस स्टैंड्स फॉर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ढाला है। मोमेंटस का मीनिंग क्या होता है? पहला है फ्रेजाइल, दूसरा है ऑफ नो वैल्यू, तीसरा है वेरी इंपॉर्टेंट और चौथा है बर्न्ड। तो मोमेंटस का मतलब होता है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हु इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑरेटर्स, मतलब कौन निम्नलिखित में से कौन ऐसे पर्सन है जिनको महानतम वक्ताओं में से एक माना जाता है? पहला ऑप्शन है जॉन किट्स, दूसरा है किंग जूनियर, तीसरा है जर्मनी ग्रीर और चौथा है पर्ल लेसबर्ग। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज किंग जूनियर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्लम एरिया डेंसली पॉपुलेटेड बाय एन आइसोलेटेड कम्युनिटी इज मार्क्ड बाय, वैसी गंदी बस्ती जो काफी जनसंख्या से भरी है एंड वहां के लोगों को आइसोलेट यानी कि एकांत में रहने को मजबूर कर दिया जाता है, वैसी बस्ती को हम लोग क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है टाउन, दूसरा है घेटो, तीसरा है नेग्रो और चौथा है विलेज। तो ऐसे जगह को हम लोग कहते हैं घेटू, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किंग ऑलवेज एडवोकेट्स फॉर, किंग हमेशा किसको प्रोत्साहित करते थे? पहला ऑप्शन है वायलेंट स्ट्रगल, दूसरा है नॉन वायलेंट स्ट्रगल, तीसरा है व्हाइट अमेरिकन्स और चौथा है नन ऑफ दीज। तो किंग हमेशा वकालत करते थे ऐसे आंदोलन की जिसमें अहिंसा हो, हिंसा के लिए कोई योगदान ये नहीं देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
डैश इज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, कौन सी जगह अन्याय एवं प्रताड़ना से झुलस रही है? पहला ऑप्शन है ऑक्सफोर्ड, दूसरा है मिसिसिपी, तीसरा है कोलोराडो और चौथा है कैलिफोर्निया। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो जगह जो झुलस रही है अन्याय और दबाव से, उस जगह का नाम है ऑप्शन बी, दैट इज मिसिसिपी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। हु गेव द स्पीच आई हैव अ ड्रीम, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। आई हैव अ ड्रीम जो भाषण है वो किन्होंने दिया था? तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी ऑप्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू, यानी मार्टिन लूथर किंग जो है निम्नलिखित में से किस देश से बिलोंग करते थे? चाइना, यूएसए, इंग्लैंड और इंडिया। तो बहुत ही आसान है ये पूरा, जब ये पूरा टॉपिक ही यूएसए के अराउंड घूम रहा है तो ऑब्वियसली बात से ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज नोबेल प्राइज अवॉर्डेड टू किंग, मार्टिन लूथर किंग को नोबेल प्राइज कब दिया गया था? ऑप्शन ए 1961, दूसरा है 1964, तीसरा है 1970 और चौथा है 74। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, 1964 में इनको मिला था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान में रखना। 17 क्वेश्चन कहता है इन विच फील्ड किंग वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज। आपको पता होगा नोबेल प्राइज जो होता है वो एक क्षेत्र में नहीं मिलता। ऑप्शन ए कहता है लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में, दूसरा कहता है पीस यानी कि शांति के क्षेत्र में, तीसरा कहता है म्यूजिक के क्षेत्र में और चौथा कहता है साइंस के क्षेत्र में। तो इनको पर्टिकुलरली नोबेल प्राइज मिला था ऑप्शन नंबर बी, दैट इज शांति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु आर सेड टू बी फॉर्मर स्लेव्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के प्राचीन गुलाम किन्हें कहा गया? पहला ऑप्शन है नेग्रो, दूसरा है इंडियंस, तीसरा है बंटू और चौथा है नन ऑफ दिस। तो नेग्रो लोगों को कहा जाता था कि वो हमेशा गुलाम ही रहे थे पहले के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। हाउ मेनी चिल्ड्रेन किंग हैड, किंग के कितने बच्चे थे? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन डी 2। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रीडम रिंग्स फ्रॉम द स्नो कैप डैश ऑफ कोलोराडो, मतलब आजादी की गूंज पहाड़ की किस चोटी से आने का जिक्र किंग ने किया है? पहला ऑप्शन है रॉकीज, दूसरा है माउंटेन्स, तीसरा है वैली और चौथा है नन ऑफ डीज। तो इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रॉकीज। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किंग वाज अ डैश, किंग जो है क्या थे? पहला ऑप्शन है पब्लिक एम्प्लॉय, दूसरा है एक सिविल राइट एक्टिविस्ट, तीसरा है पुलिस और चौथा है मिनिस्टर। तो पर्टिकुलरली यहाँ पर अगर हम देखें तो बी और डी काफी नजदीक लग रहा है, लेकिन अगर हम प्रॉपर तरीके से इस चैप्टर को अगर एनालाइज करें तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, वो राइट एक्टिविस्ट थे जो कि लोगों के न्याय के लिए लड़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किंग वाज अ डैश मिनिस्टर बाय ट्रेनिंग, किंग जो है वो क्या थे एज अ ट्रेनर, ट्रेनर मतलब जो लोगों को सिखाता है। पहला ऑप्शन है बैप्टिस्ट, दूसरा है वेरी इंपॉर्टेंट, तीसरा है ब्रेव और चौथा है नन ऑफ दिस। तो वो बैप्टिस्ट थे, यहाँ पर बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे। बैप्टिस्ट कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो ईसाई धर्म की दीक्षा दिलाते हैं उनको बैप्टिस्ट कहा जाता है। ये लाइन बहुत ही शुरुआती पर्टिकुलर सेशन में ही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट वॉज लेड बाय, मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट किसके नेतृत्व में हुआ था? अगर आपको पता हो तो यूएसए की हिस्ट्री में बहुत ही यह एक सेंसिटिव दौर रहा था 1955 में, जब होता क्या था कि ब्लैक अमेरिकन्स को किसी भी बस में जब जाना रहता था तो उनके लिए सीट जो है वो पीछे वाली सीट रहती थी। तो 1955 में एक आंदोलन चला था जब रोजा पार्क नाम की एक लेडी ने क्या किया था, उसने कहा था कि मैं अपनी सीट, वो आगे जाकर बैठ गई जहाँ पर व्हाइट अमेरिकन का था, और उसने कहा कि मैं पीछे नहीं जाऊँगी। तो उनको अरेस्ट कर लिया गया था रोजा पार्क को। तब यहाँ पर एक आंदोलन चला था और उसका नेतृत्व किया था ऑप्शन बी, दैट इज मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किंग वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, किंग जो है वो किससे प्रभावित थे? पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है सरदार पटेल, तीसरा है महात्मा गांधी और चौथा है भगत सिंह। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। स्ट्रेंथ ऑफ लव, वाई वी कांट वेट एंड वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, केओस और कम्युनिटी, ये जो सारे जो हाईलाइटेड ब्लैक लेटर में लिखे हुए हैं वो किसके काम के हिस्से हैं? पहला ऑप्शन है एंटोन चेकोव, दूसरा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, तीसरा है महात्मा गांधी और चौथा है डीएच लॉरेंस। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। हमारा 400 प्लस क्वेश्चन का सीरीज बिल्कुल पूरा होगा, जिसके लिए आपको करना क्या होगा, आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करो, बहुत शेयर करो, ताकि आपके बीच एक कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट बने और